आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है सिटीजनशिप के साथ यू हैव सर्टन राइट एंड ड्यूटीज ठीक है क्योंकि आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो यू आर ए पार्ट ऑफ सम स्टेट सम नेशन आप सिटीजन बनते हो By being part of a nation or a state, there are some rights and duties conferred upon you. ठीक है तो यही सिटीजनशिप uh, में हम देखेंगे पहली जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी उसमें एक्चुअली इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था सिटीजनशिप का क्योंकि लोगों को इस चीज़ से कंसर्न नहीं था कि हमारे क्या राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह हैं। एक्सप्लोटेशन काफ़ी ज्यादा थी तो हम बोलते हैं जो इमर्ज हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है न्यू कॉन्सेप्ट है और कब ये कब इमर्ज हुआ इमर्ज हुआ विद द द ऑफ ऑफ नेशन स्टेट जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या होता है देखो अब देखते हैं सर ने क्या लिखा है बुक में वाईज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज ऑफन डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बाय वर्च्यू मेंबरशिप टू अ सोसाइटी ये जो करंट फॉर्म का सिटीजनशिप डेवलप हुआ है जिसमें रिटन फॉर्मेट में कोई रिटर्न रूल्स आपके लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं और रिटन राइट्स एंड ड्यूटीज आपको दी गई हैं वो इमर्ज हुआ विद द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट ठीक है जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके बाद आपके नेक्स्ट कौन से आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्योंकि आप सिटीजन हो इंडिया के तो आप पे कुछ राइट्स दिए जाएंगे जो आप एंजॉय करोगे एंड बींग एन इंडियन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू ऑल्सो हैव सर्टन ड्यूटीज जो आपको फुलफिल करनी है टुवर्ड्स द नेशन ठीक है तो इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन क्या है फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इज अ कलेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी आपके लिए एक नेशनल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है जो प्रीवियस ट्रडिशनल सोसाइटीज़ में वो लैक करते थे इस वजह से उनको एक्चुअली फीलिंग नहीं थी कि हम किसी एक चीज़ का पार्ट है वो सिर्फ अपनी एक क्लोज निट कम्युनिटी या क्लोज निट सोसाइटी का ही पार्ट खुद को समझते थे कोई एक नेशन का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं था तब तक सिटीजनशिप जो इसके करंट फॉर्म में डेवलप हुई है वो नहीं आई थी इन विन कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं पहले के जिन्होंने कहा सिटीजनशिप जो है वो आपको सिर्फ कुछ क्राइटेरिया पे देनी चाहिए जैसे एजुकेशन वेल्थ एंड लीनेज क्योंकि सिटीजनशिप के साथ कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आती हैं और वो राइट्स एंड ड्यूटीज हासिल करने के लिए या तो क्राइटेरिया एजुकेशन होना चाहिए या तो वेल्थ होना चाहिए या तो लीनेज होना चाहिए और एक थियरी हम इसमें देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ये मैंने कल भी बोला था कि दी थी थॉमस हॉबीज ने बेसिकली थ्योरी क्या कहती है कि जो आपकी सोसाइटी है उसके इंडिविजुअल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साथ में रहने के लिए आए हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट ने उनपे कन्फर किए हैं कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज ठीक है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ सिटीजनशिप uh, का कॉन्सेप्ट भी क्या आ जाता है सामने आ जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें कॉन्ट्रैक्ट में बात की है राइट्स एंड ड्यूटीज की कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स उन पर कुछ राइट्स होंगे और उन्हें कुछ ड्यूटीज करनी होंगी तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है ये अपने साथ ही लेके आता है ठीक हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है जो बोला गया है टी एच मार्शल ने डिफाइन किया सिटीजनशिप को इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी एंड ब्रिंग्स थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ वो आपके सिविक या सिविल बोल लो पोलिटिकल एंड सोशल ठीक है सिविक या सिविल जो राइट्स हैं ये सिटीजनशिप है कैसे इमर्ज हो गई ये इमर्ज होगी विद इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अब आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई दैट मीनस वो आपकी प्रॉपर्टी है वो कोई रिजर्व नहीं कर सकता है वो प्रॉपर्टी ठीक है वो प्रॉपर्टी आपकी कोई हड़प नहीं कर सकता है अब दूसरे पे यह ओब्लीगेशन है कि उसको रिस्पेक्ट करना है आपका राइट टू तो हैव हाँ दैट प्रॉपर्टी यहाँ से सिविल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है जब आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है अब आप वोटिंग करते हो ठीक है अब वोटिंग सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया पे सेट नहीं है अब हर किसी को अबव एटीन अगर इंडिया के एग्जाम्पल लें तो अबोव एटीन आपको राइट दिया गया है वोट करने के लिए और अब आपके पास फ्रीडम है पॉलिटिकली इक्वल हो ऐसा नहीं बोला बोला जा सकता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान वोट नहीं

यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सिविल सिटीजनशिप इमर्ज हुआ एज रिजल्ट ऑफ राइज ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप ठीक है पोलिटिकल सिटीजनशिप आ गया वन फ्री स्पीच डेवलप्ड एंड एवरी वन वॉज ट्रीटेड इक्वल बाई मीन ऑफ बाई मीन लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें आपको क्या बोला जाता है कि हर किसी के पास अब राइट टू वोट है सोशल सिटीजनशिप एम नोशन ऑफ राइट फॉर वेलफेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ सोशल बेनिफिट फाइन ये क्लियर हो गई मार्शल ने कहा था राइट टू सोशल वेलफेयर जो है इट इज एन अगेंस्ट द द ऑफ पॉपुलेशन इन थी बट इन इफेक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी बाई पॉवर्टी ठीक है तो सोशल वेलफेयर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है मार्शल ने भी बोला है कहा है कि एक्चुअली जो लोगों को हाँ ऑन पेपर तो सब ठीक है आप उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं अटेन कर पाते हैं बेनिफिट्स क्योंकि वो एक पॉवर्टी वाले सेक्शन को बिलोंग करते हैं अब वो लोग एक्सक्लूड ना हो जाए इस वजह से आपको सोशल वे, वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ेगा वैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए जैसे मार्क्सस ने कहा था सिटीजनशिप एज ए कॉन्सेप्ट जो है इट इज अ मिथ है क्योंकि कोई इक्वालिटी नहीं है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में तो जहां भी मार्क्सिस्ट है वहां आपको पता है कि आपको क्या आइडियोलॉजी आगे डिस्कस करनी है आपको क्या पॉइंट्स आगे लिखने हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैन हैव ओनली क्लासेस ऑफ सिटीजन लाइक फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास सिटीजन तो ये लाइन आप एज इट इज अपने आंसर्स वगैरह में कही कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सिटीजन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सिर्फ ऐसे ही क्लास ऑफ सिटीजन हो सकते हैं आप ये सिटीजनशिप से रिलेटेड लिख सकते हो सिटीजनशिप को दूसरे परस्पेक्टिव में भी देखा गया है फॉर एग्जाम्पल मार्क्स में इतने बात की थी इकोलॉजिकल सिटीजनशिप की इन वेक ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस तो ये आपका थोड़ा एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब आपकी ऑब्लिगेशन सिटीजन पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं है ना वो राइट्स एंड ड्यूटीज होगी टुवर्ड्स अदर फेलो इंडिविजुअल्स इन्होंने कहा था कि अब सिर्फ ऑब्लीगेशन सिर्फ फेलो बींग्स की तरफ नहीं है नॉन ह्यूमन एनिमल्स की तरफ भी हैं एंड फ्यूचर जेनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल जैसे बोला जाता है ना जिस लेवल पे अंडरग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन हो रही है अंडरग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन हो रही है तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी ही नहीं बचेगा ठीक है यही आपके एन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली वही बात की गई है कि अब आपको इसको अलग अलग डायमेंशन से देखना होगा आपको इसमें एनवायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी लाना होगा और बाकी चीजों की तरफ भी आपको अपना जो ये ऑब्लिगेशन है वो डिक्लेयर करनी होगी रामचंद्र गुहा ने कहा था वेस्ट में जो सिटीजनशिप है इट अवॉर्डेड लेकिन ईस्ट में हम यहाँ पे इंडिया के एग्जाम्पल लेंगे इट अवॉर्डेड सडनली एज कंट्री इज गॉट इंडिपेंडेंट ठीक है इसीलिए पीपल फेल टू अप्रीशियेट सिटीजनशिप सिटीजनशिप राइट एंड ड्यूटीज अब इसका क्या मतलब हुआ देखो वेस्ट में क्या हुआ अगर हमसे फ्रांस की बात करें या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ से लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया उनको इक्वालिटी चाहिए थी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी ऐसी सारी बातें हुई या अमेरिका में स्लेवरी के अगेंस्ट तो अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस तो ये सारी चीज़ें हुई तो फेस्ड मैनर में सिटीजनशिप आहिस्ता आई आहिस्ता आई, आई और एक एक आपको जो बेनिफिट है वो मिलता गया फाइन तो लोगों ने वो छीन के लिए सिटीजनशिप लेकिन अब देखो सिटीजनशिप के लिए क्या एक नेशन स्टेट होना जरूरी है इंडिया के केस में क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट में सारे फ्रीडम में लगे हुए थे तब ये चीजें दिमाग में नहीं थी कि हमें सिटीजन बनना है एक नेशन का क्योंकि अभी नेशन का कॉन्सेप्ट उतना कंट्री स्टेट का कॉन्सेप्ट उतना एज ए इंडिया सेपरेट वो डेवलप नहीं हुआ था वो स्लोली स्लोली डेवलप हुआ क्योंकि उनको पहला मोटिव क्या था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से आपको भगाना है फाइन तो यहाँ पे कब आया सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट इंडिया 1947 में आजाद हो गया तब इंडिया ने डिक्लेयर किया खुद को सोवेरियन सेक्यूलर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ठीक है जो आपके आ, इसमें है प्रीएम्बल में मेंशन है और उसी के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया और कॉन्सेप्ट आ गया आपका सिटीजन का कि आप एक क्या हो आपको सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया कि आप सिटीजन हो इस कंट्री के आर्टिकल फाइव टू इलेवन यही चीजें डिस्कस करते हैं आपके सिटीजनशिप को लेके फिर आगे आपके थर्टीन आर्टिकल से आगे आपका क्या आता है फंडामेंटल राइट थर्टी टू आर्टिकल तक ठीक है उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं तो ये सारी चीजें कब होने हुई एकदम से जब इंडिया आजाद हो गया और आपके पास नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया ठीक है तो ये इनका कहने का मतलब है इसीलिए लोग एप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनको उन राइट्स एंड ड्यूटीज की लड़ाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि उनकी सारी लड़ाई किसकी तरफ फोकस थी कि इंडिया छोड़ो ठीक है ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है उनकी सारी जो था एनर्जी वो उस तरफ थी लेकिन जो सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है ये तभी आया जब इंडिया एक नेशन स्टेट बन गया फाइन तो ये रामचंद्र गुहा का कहना था आगे देखते हैं ब्रायन टर्नर ने कहा था कि जो मॉडर्न सिटीजनशिप है बेसिकली पैसिव सिटीजनशिप एज इज ए लैक ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी अब देखो डेमोक्रेसी हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकती है एंड इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट होता है जब लोग डायरेक्टली सारे पार्टिसिपेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कोई वोटिंग करवाओ किसी एक चीज के लिए से रेफरेंडम करवाओ किसी चीज पे आपने पॉलिट में रेफरेंडम और प्लेबिसाइड जैसी चीजें पड़ी होंगी जहाँ पे आप लोगों से डायरेक्टली कुछ पूछो और लोग सारे इंडिविजुअली उसमें पार्टिसिपेट करें तो स्मॉलर कंट्रीज में पॉसिबल है जैसे स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी ठीक है लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो आपके पास कौन सी चीज आ जाती है इनडायरेक्ट क्योंकि अब इंडिविजुअली हर कोई इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो वो क्या करते हैं अपना एक लीडर चूज करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं तो इनका कहना था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है पैसा सिटीजनशिप है क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली uh, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसकी वजह से राइट्स एंड ड्यूटीज का जो स्कोप है वो भी कम होता जाता है ठीक है ये ब्रायन टर्नर का बोलना था और ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारे पास ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है क्योंकि अब जो नेशन की स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो भी ब्लर हो रही हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप लेना जिसमें अलग अलग कंट्रीज का आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन में जो आती है एंड ट्रांसनेशनल सिटीजनशिप इसमें आप एग्जाम्पल ले लो जैसे मैंने आपको कल भी कहा था डुअल सिटीजनशिप की आप एक टाइम पे एक से ज्यादा कंट्रीज की जो अपने सिटीजनशिप है वो होल्ड कर सकते हो दैट मीनस अब आप लीगली बाउंड हो एक से ज्यादा कंट्रीज के तो ये आता है सारा किसमें ग्लोबल सिटीजनशिप में तो जैसे कि ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा आपका जो लिमिटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कम होता जाएगा ये था आपका सिटीजनशिप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं डेमोक्रेसी लैटिन रूट्स डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटॉस मीनिंग रूल तो ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी में आती हैं ये आप खुद से रीड करोगे क्योंकि डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है पॉलिटी में बार बार पढ़ते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए बस इसमें आपको क्या करना होगा कुछ कुछ थिंकर्स को अलग रखना होगा देखना होगा उनका कॉन्सेप्ट क्या था डेमोक्रेसी को लेकर ठीक है बाकी जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे मैं हर टॉपिक में एक्सप्लेन करती हूँ जैसे सिटीजनशिप में अभी इतनी एक्सप्लेनेशन दी वे जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने काफ़ी बारी पढ़ लिया है आज तक डेमोक्रेसी क्या होता है तो विल क्विकली गो थ्रू दिस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई इसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मैं सेपरेटली भी कवर कर, कर लूंगी फिर अब नेक्स्ट है हमारा सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देखो सिविल सोसाइटी क्या होता है जब आप स्टेट की बात करते हो तो या नेशन uh, स्टेट की बात करते हो तो वो आपको एक पॉलिटिकल बैक ये देता है पॉलिटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है ठीक है जहां पे हम सिविल की बात करते हैं सिविल सोसाइटी की तो ये आपको एक मॉरल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फॉर द वर्किंग ऑफ सोसाइटी ये आप ऐसे समझ लो कि जहां पे स्टेट थोड़ा सा फॉल्टर करे या अपना काम सही से नहीं करे तो सिविल सोसाइटी कम्स इन टू प्ले प्ले ठीक है ये काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ये पॉइंट आउट भी करते हैं अगर स्टेट किसी जगह पे गलत होंगी फॉर एग्जाम्पल आपके एन या ट्रेड यूनियन वगैरह या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो सारे सिविल सोसाइटी का पार्ट है जो जहाँ सिविल की बात आ गई सिविल सोसाइटी की मीन जो सोसाइटी को मॉरली क्या करते हैं अपराइट रखते हैं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं ठीक है वो आपकी सिविल सोसाइटी जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज़ या कोई पॉलिसी लेके आए या जिस किसी भी चीज जिससे इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे तो आपकी सिविल सोसाइटी केम टुगेदर सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई ठीक है तो उस वो सिविल सोसाइटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एन आ गए आपके ठीक है या आपके ट्रेड यूनियंस हो गए एसोसिएशन हो गए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गए वो सारे मिला के आपके क्या बनाते हैं सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी एंशन टाइम से यूज किया गया है लेकिन इसका मीनिंग जो है इट हैज चेंज ओवर टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी सिविलिस्ट जो है यहाँ से वर्ड ऑरिजिनेट हुआ है ये रोमन वर्ड है और इंट्रोड्यूस किया था ये सिसेरो ने ठीक है एंशियन थोपियन क्लासिकल पीरियड में कॉन्सेप्ट था इट वॉज यूज एज एनानिम फॉर द गुड सोसाइटी और उसको स्टेट से अलग नहीं रखा था वो किसने रखा फाइनली जो हम आज सिविल सोसाइटी का मीनिंग समझते हैं हीगल ने उन्होंने कहा जो कंट्रास्टेड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इनने कहा सिविल सोसाइटी जो है ये ऑपोजिशन इट स्टैंड इन ऑपोजिशन टू द स्टेट और ले करता है मॉरल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी ठीक है तो सिविल सोसाइटी बोल सकते हैं अम्ब्रेला लाइक ऑर्गेनाइजेशन है लाइज बिटवीन फैमिली मार्केट एंड स्टेट ठीक है family, ना ये आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको इससे मिल सकते हैं सिविल सोसाइटी से स्टेट के जो कहीं पे फॉल्टर करेगा उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वहां पे इट कम्स इन टू प्ले और फैमिली लाइक like कि आपकी फैमिली नहीं है बट एक काइंड ऑफ कम्युनिटी की तरह भी आपका ध्यान रखती है तो आप बोल सकते हो लाइज समवेयर इन बिटवीन ऑल दीज एंटिटीज ये एक नॉन मार्केट बेस्ड नॉन स्टेट बेस्ड एंड नॉन किन बेस्ड पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन है पब्लिक डोमेन मीन जो आपकी पब्लिक के लिए काम करेगा लेकिन नॉन मार्केट बेस्ड है अपने कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं काम करेगा नॉन स्टेट बेस्ड है पावर के लिए काम नहीं करता है अथॉरिटी के लिए काम नहीं करता है नॉन किन बेस्ड है कि आपकी रिश्तेदारी वाला चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी काम करेगा पब्लिक डोमेन के लिए इन बच्च इंडिविजुअल जो है वो वॉलेंटियर आते हैं और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके मीडिया इंस्टीट्यूशन या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम जनरली देखें तो लेकिन अगर आप नैरो नैरोप्ट में इसको डिफाइन करो या नैरो व्यू लो इसका सिविल सोसाइटीज़ का तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं रखोगे ट्रेड यूनियंस एन जी ओज रिलिजियस ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी सारी कलेक्टिव एंटिटीज जो मेन क्राइटेरियन है फॉर द इंक्लूजन इन सिविल सोसाइटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टेट कंट्रोल नहीं होनी चाहिए और प्योरली कमर्शल कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करे ठीक है क्योंकि जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उसमें कलेक्टिव गुड और वो पब्लिक डोमेन के लिए काम नहीं करता वो एक प्राइवेट एंटिटी होती है ठीक है और ये स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर फायदा ही नहीं है आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट है फिर सिविल सोसाइटी की क्या जरूरत है सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो द इन में सोशल मूवमेंट्स बिकम ऑर्गेनाइज इट हैज कम इन टू प्रोमिनस सिंस नाइनटीन जब से आपकी न्यू सोशल मूवमेंट्स इमर्ज हुई तो ये सोशल मूवमेंट्स वगैरह क्या होती है हमारा आगे का टॉपिक है इसमें आप अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना कंसेप्शन जो सिविल सोसाइटी है इसको हम सिनोनिमस लेते हैं विद इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें प्राइमरीली हमारे एनजीओ एंड सिमिलर वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन आती है ठीक है इंडिया में वी एस भावस्कर मुखर्जी ने कहा कि कब गेन होने लगी मोमेंटम सिविल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जब स्टेट विद्रॉ करने लगा फ्रॉम द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज स्टेट जो है पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज पे कम ध्यान देने लगा और टुवर्ड्स कैपिटलिज्म और ये सारी चीजें इकोनॉमिक प्राइवेट ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें प्राइवेट वेल्थ एक्यूमुलेशन ये सारी चीजें ज्यादा होने लगी ठीक है तो सेवेंथ एंड ईयर प्लान के बाद चीजें थोड़ा चेंज हो गई गवर्नमेंट ने इन चीजों को भी ओपन एनकरेजमेंट दी ठीक है इन ऑर्गेनाइजेशन को तो उससे क्या हो गया जो स्टैंड था ऑफ द गवर्नमेंट टूअर्स एनजीओ वगैरह एंड सिविल सोसाइटी चेंज हो गया 2015 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने और ये रिपोर्ट थी बाय सीबीआई सीबीआई and it revealed that in india there more than 31 lakh ngos are present that is double than the number of schools theek hai to ngos itne zyada hain to civil society itni zyada jo hai wo dispersed hai society mein among the civil society kya kya issues take up karti hai jinke kafi diverse issues hote hain ranging from tribal struggles for land rights right to information legal reforms devolution in urban governance campaigns against rape violence against women rehabilitation वगैरह ठीक है कैंपेन्स अगेंस्ट स्लम डिमोलिशन फॉर हाउसिंग राइट्स ये सारे जो इश्यूज हैं ये सिविल सोसाइटी आपके ऑर्गेजेशन जो है अब मार्क्स ने क्या कहा था सिविल सोसाइटी को एज एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्ड जो लेकिन ग्राम स्काय का उनसे थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट था ग्रामस्काई ने कहा था सिविल सोसाइटी जो है इट इज अ टेरेन वेयर द स्टेट पीपल एंड मार्केट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एंड पीपल जो है वेज वॉर अगेंस्ट दी ऑफ द मार्केट एंड द स्टेट ठीक है तो यहां पे ये सारी चीजें आ गई स्टेट पीपल मार्केट एक जगह पे आ जाती है और जो डोमिनेंस ऑफ स्टेट एंड मार्केट है उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट या डोमिनेंस ऑफ स्टेट एंड मार्केट ठीक है सिविल सोसाइटी इज कंसिडर बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एंड समटाइम्स एज अ सब्सिट्यूट फॉर द स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो क्योंकि जब स्टेट इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे होंगे तो दिस कम्स एन टू प्ले एन जी ओज आते हैं वो रिसर्च करते हैं ठीक है ऐसी सारी चीज़ें होती हैं मीडिया में सारी चीज़ें आती हैं और वो काफ़ी ग्राउंड लेवल पे एन जी ओज काम भी करते हैं रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो मैं अपलिफमेंट के लिए काफ़ी काम करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट भी करता है और कभी सब्सिट्यूट भी करता है स्टेट इंस्टीट्यूशनस को फाइन सिविल सोसाइटी कॉम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी इंडिया में ऑल्सो ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड पंचायती राज जो है उसको आप इस चीज में देख सकते हो ऑफ़ पंचायती राज में बेसिकली क्या हुआ डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को वो बेसिस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी द डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर जो है वो किसकी तरफ इन्क्लाइन होते हैं टूवर्ड्स ट्रस्ट एसोसिएशन डेमोक्रेसी दस इसीलिए बोला जाता है डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी जो है वर्क हैंड इन हैंड एंड देर इनसेपरेबली रिलेटेड टू ई अदर तो जहां डेमोक्रेसी है वहां पे आपकी सिविल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी जरूर अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह सिविल सोसाइटी की ये आप डेफिनेशन देख लोगे खुद ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते features, features हैं सर्टन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एसोसिएटेड है विदिल सोसाइटी दे आर फर्स्टली सिविल सोसाइटीज अम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ दैट इज ओपन वॉल्टरी सेल्फ जनरेटिंग एटलीस्ट पार्शली सेल्फ सपोर्टिंग ऑटोनोमस स्टेट, बाउंड बाय लीगल ऑर्डर और अ सेट ऑफ शेयर्ड र है इसकी मेम्बरशिप ओपन होती है वॉल्टरिल लोग आते हैं और बनते हैं इन चीजों के मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिविल सोसाइटीज ये सेल्फ जनरेटिंग है खुद से बनती है और एटलीस्ट पार्शली सेल्फ सपोर्टिंग है रिगार्डिंग इट्स फंडिंग एंड ऑल एंड ऑटोनोमस एफ फ्रॉम द स्टेट क्योंकि इसको नॉन स्टेट एंटिटी बोला जाता है ठीक है लेकिन कोई एक लीगली काम कर रही है या अगर आपकी सिविल सोसाइटी है वो किसी सेट ऑफ स्टेट रूल्स के तहत काम करेगी ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी चलाएगी ठीक है उनको भी कोई रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं सेकेंडली देअर कंसर्न विद द पब्लिक एंड तो पब्लिक गुड के लिए ऐसा काम करती है नॉट फॉर देयर ओन इंडिविजुअल मोटिवस थर्डली जो सिविल सोसाइटी है इज रिलेटेड टू स्टेट इन सम वे बट डज नॉट सीक टू कंट्रोल द स्टेट नॉर कंट्रोल्ड बाई इट रिलेटेड टू स्टेट इन सम वे कि हाँ क्योंकि पार्ट ऑफ कंट्री है आपका ठीक है पार्ट ऑफ सोसाइटी है जिसको ऑलरेडी स्टेट जो है वो ओवरलुक कर रहा है तो जहाँ स्टेट पूरी सोसाइटी को देख रहा है उसी का एक पार्ट आता है आपका सिविल सोसाइटी तो आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल अलग है कि अगर आपको रूल बनाया है गवर्नमेंट ने कोई वो रूल आपके सिविल सोसाइटी को भी फॉलो करना है इट इज़ ऑल्सो अब्लाइज टू फॉलो दैट ऐसा नहीं है बिल्कुल इसके एंटी खड़ा हो जाए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे बिल्कुल ये हर मामले में वो आ, गवर्नमेंट के एंटी जाके खड़ा हो जाए ठीक है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इनको भी फॉलो करने होते हैं बाद में प्रोटेस्ट वगैरह वो सारी चीजें इनकी चलती रहती है फॉर द लार्जर कॉज और फॉर द पब्लिक गुड लेकिन मेजरली इनको भी फॉलो करने होते हैं ऑर्डर्स वगैरह गवर्नमेंट के ना ही कंट्रोल करता है स्टेट को और ऐसा चाहता भी नहीं है कि खुद कंट्रोल हो जाए स्टेट से लेकिन इन सम वे और अदर वे इट इज रिलेटेड टू द स्टेट ये इनकम्पेस करता है प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म है इसमें क्योंकि आप इसके जो मेंबर बनते हो सिविल सोसाइटी के वो दैट कट अक्रॉस ऑल दीज बाउंड्रीज आपकी कास्ट क्लास रिलिजन वगैरह ठीक है तो प्लूरल रिप्रेजेंट uh, करता है एक प्लूरल कल्चर रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी का सिविल uh, सोसाइटी और डायवर्सिटी भी क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो काफी सोशल बैकग्राउंड काफी वाइड होता है फाइन ये इनकम पास करते हैं वास्ट एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कल्चर इंफॉर्मेशन एजुकेशन इंटरेस्ट ग्रुप्स डेवलपमेंटल इशू ओरिएंटेड एंड सिविक ग्रुप्स इसीलिए इसका जो बैकग्राउंड होता है काफी वाइड होता है इस वजह से कहते हैं कि इट इनकम पास एंड डाइवर्सिटी उनकी अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो यहाँ पे देखेंगे हम <laughs> जनरली दे आर फाउंड टू बी लैकिंग ऑन द वेरी सेम पैरामीटर विच द एस्पाउस फॉर द लार्जस्ट सोसाइटी ये मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बट आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन ठीक है मतलब वो वही चीज पर लैक कर रहे हैं जो चीज वो बोलते हैं कि ये चीज होनी चाहिए सोसाइटी में खुद वो लैक करते हैं क्योंकि कई बार देखा गया है जो एनजी ओज वगैरह है ये एक्चुअली एक ही पर्सन कंट्रोल करता है इसकी सेंट्रल अथॉरिटी होती है लेकिन वो प्रोमोट किस चीज़ को कर रहे हैं ऑन ग्राउंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ जाती है पैराडॉक्सिकल मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेश सम ऑफ दम सफर फ्रॉम द लीडरशिप डिफिसट वैसा कुछ वेल क्वालिफाइड लीडर इनको नहीं मिलता है एक करिजमेटिक लीडर एंड रिवॉल्व अराउंड अंगल करिजमैटिक लीडर ठीक है एक सिंगल करिजमैटिक लीडर हो गया जैसे सिविल सोसाइटी सिविल आपकी ऑर्गनाइजेशन खड़ा की बाद में जो है वो सफर करता है फ्रॉम द लीडरशिप डेफिसिट क्योंकि वो उसी लीडर के इर्गिर्द चलती रहती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी शेडी होते हैं क्योंकि वो डिस्कलोज नहीं करते हैं अपना बैलेंस शीट प्रॉपरली कितना इनकम आए कितना एक्सपेंडिचर आए और कहाँ कहाँ से हमें फंड आ रहे हैं ठीक है तो वो प्रॉब्लम भी हो जाती है रिसेंट ईयर्स में फिनॉमल प्रोलिफरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी बेस्ड ग्रुप ऑल ओवर द ग्लोब ड्यू टू इनक्रीज ड्यू एन इंक्रीज इन द पेनिट्रेशन ऑफ आई देखा गया है क्योंकि इंटरनेट मोबाइल फोन से आप लोगों को जल्दी मोबिलाइज कर सकते हो और अपनी तरफ ला सकते हो इसीलिए जो ग्रुप्स हैं तब से ज्यादा बढ़ रहे हैं जब से हमारा इंक्रीज uh, हो गया है पेनिट्रेशन ऑफ आई सेक्टर तो आप बोल सकते हो इट हैज़ बिग इमर्ज एज अ फेयर ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप क्योंकि लोग यहाँ पे अप सोशल इश्यूज और इन्फ्लुंस करते हैं स्टेट को डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करते हैं फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए और सीक सपोर्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ कॉजेज तो ये सारी चीज़ें जो है सिविल सोसाइटी कर रही है बेसिकली क्या होता है जब लॉस ऑफ फेथ हो जाता है स्टेट में उसके फेलियर्स की वजह से इट रिवाइव द इंटरेस्ट इन सिविल सोसाइटी जैसे आपको देखा गया होगा जन लोकपाल मूवमेंट के टाइम पर जो करप्शन के अगेंस्ट आया था या अरब स्प्रिंग जो मुस्लिम कंट्रीज में प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग हुई थी ठीक है मुस्लिम कंट्रीज में हुई थी कहाँ कहाँ पे टूनिजिया मोरक्को सीरिया लीबिया इजिप्ट बहरीन वगैरह ठीक है या डेमोक्रेसी मूवमेंट जो हांगकॉन्ग ऑफ हांगकांग में हुई थी 2014 में तो बेसिकली ये रिवाइव करता है इंटरेस्ट सिविल सोसाइटीज में जब स्टेट आपकी फेल होना शुरू हो जाए या लोगों का जो फेथ है स्टेट पे कम हो जाए तो आगे चलते हैं जो है ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली आइडियोलॉजी so, क्या जो आइडियाज है जो रिप्रेजेंट कौ, करते हैं पार्शियल व्यू ऑफ रियालिटी अब उन लोग की पार्शल व्यू क्यों आप अगर किसी एक कास्ट को लेके कोई आइडिया दिमाग में रखते हो आपकी आइडियोलॉजी तो वो आपकी आइडियोलॉजी है और इंसान की आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई होती है विद टाइम वो इसमें प्लूरल व्यू पॉइंट्स नहीं ले पा रहा होता है ठीक है वो उसका देखने का नजरिया होता है इसलिए वजह से पार्शियल व्यू होता है क्योंकि वो उसका सिर्फ वो इंसान की जो आइडियोलॉजी है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे जर्मन नाजी ट्रूप्स की बात हुई है वो उन्होंने क्या किया दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर एनहिलेशन ऑफ ज्यूस ठीक है एनहिलेशन ऑफ ज्यूज तो अपने वो एक्शंस को अपने आइडियाज से वो जस्टिफाई करते थे कि जो जर्मन है वो प्योर ब्लॉन्ड आर्य है एंड दे आर अ सुपीरियर रेस तो ये उन विच इज बॉर्न टू रूल तो ये उनकी एक आइडियोलॉजिकल रीजनिंग थी फॉर द एनहिलेशन ऑफ ज्यूज लेकिन ये पार्शियल व्यू था रियलिटी को देखने का कि वो खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं फाइन तो इसी वजह से आप क्या बोलते हैं इट रिप्रेजेंट्स अ पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी विदाउट आइडियोलॉजी सोसाइटी आइडिया ही नहीं है तो सोसाइटी कैसे चलेगी ये गाइडिंग लाइट है जो डायरेक्ट करता है इंडिविजुअलो यूज एज अगर मार्क्स ने मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस ठीक है आपको इनके कॉन्सेप्ट से याद आ हो, रहा होगा हमने पढ़ा है क्लास इन इट सेल्फ इन क्लास फॉर इट सेल्फ वाला वो सारा बेसिकली आपके आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस पे ही जो है वो सारा आ, किस पे है अपनी बेस रखता है ठीक है वो क्लास स्ट्रगल जब आप क्लास इन इट से क्लास फॉर इट में आ जाओगे क्लास फॉर इट तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है मार्क्स को लेके सिमिलरली लेटर मार्क्स है जैसे अल्थसर वगैरह टॉक्स ऑफ हेजिमोनिक आइडियोलॉजी एज इम्पोज बाय आइडियोलॉजी एज इम्पोज आइडियोलॉजी बाय द रूलिंग क्लास ठीक है मतलब डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है वो आप पे इम्पोज करती है कौन इम्पोज करता है रूलिंग क्लास तो ये सारी बातें इन्होंने कही थी मार्क्सिस्ट स्कॉलर लुई अल्थसर इन्होंने प्रपोज किया था कंसेप्शन ऑफ आइडियोलॉजी इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस उसमें इन्हें क्या कहा था जो इंस्टीट्यूशन एंड रिचुअल्स हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं दे प्रोड्यूस आइडियाज इन द माइंड ऑफ ए मैन टू विच ही सबमिट्स हिमसेल्फ टू ठीक है दो इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स हॉस्पिटल्स आउटसाइड स्टेट कंट्रोल लेकिन वो प्रमोट करते हैं वैल्यूज प्रमोलगेटेड बाय द स्टेट अगर आप देखो कोई हॉस्पिटल है या उसके बाहर आ, कोई एक बोर्ड लगा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठीक है या हॉस्पिटल में कोई ऐसी बात हो रही है किसी एक पोलिटिकल पार्टी के आ, के प्रमोशन के रिगार्डिंग या एनजीओ जो हैं वो एड्स लगा रहे हैं टीवी पे वो एनजीओ जो हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स की तारीफ कर रहे हैं तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग हो रही है आपके दिमाग में आइडियाज डाल रहे हैं जिसको पे आप सबमिट करते हो जो चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट चैनल इनफैक्ट प्राइवेट चैनल है वहां पर पोलिटिकल एड्स दिखाना शुरू करते हैं तो बेसिकली सारा किससे रिलेटेड आपके आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस कहा था मार्क्स ने, ने आपकी आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग हो रही है वो आपके दिमाग में आइडियाज पुट कर रहे हैं वो खुद को वैसे, उसी तरीके से प्रमोट करते हैं और आपके दिमाग में वो आइडियाज डालते हैं और आप क्या करते हो आप सबमिट करते हो टूवर्ड दो आइडियाज कंट्रास्ट मार्क्सिज्म फंक्शनलिज्म को देखा गया था एज द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग क्लास क्योंकि वो किसी चीज वो इनडिफरेंट थे टूवर्ड्स जो भी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में और हर चीज को फंक्शनल व्यू में देख रहे थे जो पोस्ट मॉडर्न है वो फाइन करते हैं फ्लॉप बोथ आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट में मार्क्सिज्म में भी और फंक्शनलिज्म में भी और वो कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइडियोलॉजीज है वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में ठीक है तो ये सारा बाकी थिंकर्स ने क्या क्या कार्ल कि पॉपर ने कहा था एवरी आइडियोलॉजी जो है वो टोटेलिटेरियन है एंड इट इज ब्लाइंडेड बाय द आइडियोलॉजिकल बायस एंड हेंस इनडिफरेंट टू द पुरूलिटी ऑफ व्यू पॉइंट जैसे मैंने आपको कहा दूसरे व्यू पॉइंट्स लेना जो है वो ईजी नहीं होता है हमारे लिए भी नहीं है मेरे लिए भी नहीं है आपके लिए भी नहीं है बचपन से आप किसी एक चीज को कुछ मानते हो तो आपके दिमाग में वो आइडियाज जो है वो इनग्रेन हो गए हैं आपके दिमाग में फिर अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना ही बोलने में आसान लगता है लेकिन अपने आइडियोलॉजी को चेंज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है ठीक है जो फेमिनिस्ट सोशलॉजिस्ट हैं दे आर्ग्यू कि पेट्रियॉर्कल आइडियोलॉजी है हैज़ लेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी फाइन सिमिलरली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स में देखें जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है हैज लेड टू द सफरिंग ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर एजेस तो ये सारी चीजें फॉर ऑब्वियस लिमिटेशन ऑफ अ सिंगल डोमिनेंट आइडियोलॉजी फॉर दिस ऑब्वियस लिमिटेशन के लिए आइडियो स्कॉलर्स लाइक अमर सेन उन्होंने कॉल फॉर ए सोसाइटी विद प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव आइडियोलॉजी तो अगर वो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी पेट्रियॉर्कल आइडियलॉजी ब्राह्मनिकल आइडियलॉजी तो सोल्यूशन किस में है प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव आइडियलॉजी में कि आपको दूसरे आपको सारे जो व्यू पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने होंगे खुद में और एक सोसाइटी को प्लूरल बनाना होगा सही मायनों में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कलेक्टिव एक्शन जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक्शन कर रहे हैं परफॉर्म ठीक है perform, वो आपका कलेक्टिव एक्शन है ये एक्शन है बाय ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कोई स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव है ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इनकी कंबाइंड सब्जेक्टिविटी कोई थिंकिंग होगी जो इंडिविजुअल मेंबर से हो सकता है डिफरेंट भी हो ये कर सकते हैं इधर ऑफ ये जो कलेक्टिव एक्शन है कॉपरेशन के भी हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट या अकोमोडेशन इन जनरल दे कैन बी इधर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज भी होते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज भी होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज भी होते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ ए कलेक्टिव एक्शन होता है इट इज डिफाइंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, आइडियलॉजी गोल्स एंड लीडरशिप तो स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिव एक्शन की अगर हम बात करें वो किन चीजों से डिफाइन होता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन से आइडियोलॉजी से गोल्स से एंड लीडरशिप से ठीक है ये देखते हैं ब्लमर ने हमें चार टाइप्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस दिए हैं पहला आपका क्राउड पब्लिक द मास एंड द सोशल मूवमेंट ठीक है ये सारे क्या हैं कलेक्टिव एक्शंस हैं क्राउड बेसिकली एसोसिएट किया जाता है तीन फॉर्म्स ऑफ इमोशंस के साथ या पैनिक दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ फेयर क्रेज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड हॉस्टाइल आउटबर्ट दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आप कहीं पे जाओ जैसे सड़क पे साइड में कहीं वो मंकी डांस या कोई वैसा शो हो रहा है तो सारा अचानक से जाके वहाँ क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो आपका क्राउड किससे एसोसिएट हुआ इमोशन से, तो से क्रेज से या कहीं लड़ाई चल रही है आप भी जाके वो आ, या कहीं ईव टीजिंग का वाला केस देखो तो एकदम से क्राउड जाके इंसान को मारना शुरू हो जाता है तो वो आपका हॉस्टाइल आउटबर्स्ट हो गया ठीक है पब्लिक जो होता है वो क्राउड की तरह किसी एक इमोशन पे बेस बेस नहीं होता लेकिन इशू पे बनता है फॉर एग्जांपल कोई रैली ये हो रही है पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है या किसी एक टॉपिक को लेके बात हो रही है कोई सेमिनार हो रहा है एनवायरमेंट के रिलेटेड तो एक सिंगल इशू के अराउंड जो गैदरिंग हो जाएगी तो वो एक पब्लिक हो होगी आपके पब्लिक सेमिनार्स वगैरह मास पब्लिक और क्राउड दोनों से डिफरेंट है मास बेसिकली आपका किस तरीके का इंटरेक्शन अपने कौन से आ, ये डिनोट किया जाता है बाई द एफर्ट ऑफ हु यूज अ पर्टिकुलर मास मीडिया जैसे प्रिंटिंग वो आप यूज करते हो एड्रेस करने के लिए एक लार्ज गैदरिंग एक ऑडियंस को तो उस ऑडियंस को हम द मास बोलते हैं ठीक है सोशल मूवमेंट्स हमें आगे पढ़नी है उन्होंने क्लासिफाई किया था वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स एज एक्टिव सोशल मूवमेंट एंड एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट एक्टिव सोशल मूवमेंट है जो दे ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी और एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट है जो खुद के मेंबर्स को चेंज करती है एक्टिव के एग्जाम्पल मैंने लिखा जन लोकपाल मूवमेंट ऑफ अन्ना हजारे सोसाइटी को चेंज करने के लिए था एंटी करप्शन था ये ठीक है एंड सेकेंड इज अ ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट ऑफ महेश योगी तो बेसिकली क्या था एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन था जो अपने इनर सेल्फ को चेंज करने के लिए था ठीक है <coughs> तो जो महेश योगी के थ्रू लॉन्च किया गया था फाइन तो इसको हम एक्सप्रेसिव मूवमेंट बोलते हैं बिकॉज इन मेंबर्स को चेंज करने की कोशिश करता है अपने मेंबर्स को और जो आपका एक्टिव है वो क्या करता है वो सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेस्ट ये भी एक सोशल प्रोसेस ऑफ ऑपोजिशन है अगेंस्ट एनी पर्सन ग्रुप और इवन वाइडर सोसाइटी बेसिकली आप प्रोटेस्ट में क्या करते हो जो सेंट्रल चीज है प्रोटेस्ट की वो ऑपोजिशन होता है आप किसी चीज को अपोज कर रहे हो ठीक है आप उस चीज पे बिलीव नहीं करते हो फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटेस्ट है दस अ प्रायर इवेंट अगेंस्ट विच अ प्रोटेस्ट इज डन पहले कोई चीज हुई है आपने उसको अपोज किया तो उसके लिए आपने क्या किया एक प्रोटेस्ट जो है अपना स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल फास्ट अंटिल डेथ वे महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज ठीक है ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है अपोजिशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ विच व अनफेवरेबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज डब्ल्यू टी ओ जो ऐसे रूल्स बनाता है बीच में जो अनफेवरेबल होती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जैसे अगेंस्ट कोई एग्रीकल्चरल सब्सिडी वगैरह लेके आए और हम डेवलपिंग कंट्रीज बहुत डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे तो इस फॉर्म में इंडिया उसको अपोज करता है ये एक टाइप ऑफ कलेक्टिव प्रोटेस्ट होता है दैट मीनस कोई एक इवेंट हुआ उस इवेंट को आप अप अपोज करोगे और अकॉर्डिंगली अपना जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट करोगे एजिटेशन में क्या होता है एजिटेशन में किसी एक पर्पस के लिए एजिटेशन स्टार्ट होती है उसमें अपोजिशन जो है वो सेंट्रल नहीं होता है उसमें एक पर्पस या गोल जो है वो सेंट्रल होता है प्रोटेस्ट कैन आल्सो भी डिस्टिंग्विश ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ प्रोटेस्ट दिस कुड बी कैंडल या टॉर्च लाइट प्रोसेशन यूज ऑफ ब्लैक क्लॉथ स्ट्रीट थिएटर्स सॉन्ग्स पोएट्री वायलेंस वैंडलिज्म ये सारी चीजें हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट में ने पढ़ी है सारे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो है वहाँ पे यूज हुए हैं फाइन मॉडर्न सोसाइटीज में फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटेस्ट जो है वेरी करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टॉलरेटेड एंड प्रोटेस्ट आर एक्सेप्टेबल ठीक है तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइट में जो प्रोटेस्ट है वो एक्सेप्टेबल है एजुटेशन मैंने आपको कहा इसमें जो सेंट्रल चीज है वो क्या है पर्पज है किसी एक पर्पज को चल लेके होता है एजुटेशन और ऑपोजिशन सेंट्रल होता है आपके प्रोटेस्ट में एजिटेशन कैसे मैनिफेस्ट होती है थ्रू स्ट्राइक्स रास्ता रोको रेल रोको रेल राइटिंग ठीक है तो आप किसी पर्पज की वजह से वो सारी चीजें कर रहे हो लेकिन प्रोटेस्ट में क्या होता है कोई एक चीज हो गई उसको आपने अपोज किया उसके ऑपोजिशन में आपने वो लॉन्च किया ठीक है कभी इनको यहाँ पे तो इनकी इतनी डिफरेंस लिखी हुई है पर अदरवाइज आप अगर जनरली इसमें देखो वर्ल्ड में इनको क्या किया जाता है इंटरचेंजेबली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है दोनों को नेक्स्ट हमारा रहता है सोशल मूवमेंट ये हम लास्ट uh, वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें सोशल मूवमेंट प्लस प्लस कुछ टाइप्स एंड रेवोल्यूशन हमारा लास्ट टॉपिक ठीक है तो उसके साथ आपका नेक्स्ट वीडियो में सेवेंथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय बाय हैव अ ग्रेट डे